नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं आपके साथ राहुल चौधरी। चुनावों का दौर शुरू हो गया है। नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। और इसी चुनावी माहौल में गठबंधन और समीकरण सियासत की जरूरत बन गए हैं। हर दल सियासी समीकरणों के सहारे चुनावों की नैया पार करना चाहता है। एनडीए ने 38 राजनीतिक दलों को मिलाकर गठबंधन बनाया, तो 28 दलों के साथ इंडिया गठबंधन मैदान में है। लेकिन यह विपक्षी गठबंधन सत्ता की लड़ाई से पहले ही बिखरने लगा है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं भाई? दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन में रहते हुए आपस में ही जोर आजमाइश करनी शुरू कर दी है। राजनीतिक जानकार जहां अगले महीने होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे थे, उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि सेमीफाइनल इंडिया और एनडीए में हो रहा है या फिर विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के बीच आपस में हो रहा है। इस जंग की शुरुआत यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में शुरू हुई। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को किनारे कर दिया, तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को चुनौती दे दी। दोनों तरफ से तीखे शब्दों के बाण भी चले। इस बीच बिहार की सत्ता पर काबिज जेडीयू ने भी मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर विपक्षी गठबंधन के बीच अपनी दावेदारी दिखा दी। अभी तक यही माना जाता था कि जेडीयू नेता नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन में अपनी उपेक्षा से नाराज चल रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो कड़ी टक्कर है, इसमें जेडीयू प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब यह बात सार्वजनिक हो गई है कि नीतीश नाराज ही नहीं बल्कि विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचाने में भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। नीतीश कुमार की एक खासियत है, वो बेहद गुस्से में भी होने पर चुप रहते हैं। हालांकि उनमें अब कुछ परिवर्तन भी देखा गया है। वर्ष 2020 से लेकर अब तक कई ऐसे मौके आए हैं जब नीतीश को लोगों ने आपा खोते हुए देखा है। साल 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था। इस पर नीतीश कुमार ने प्रहार करते हुए कहा था कि अनाप शनाप घोषणा करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, इतनी नौकरी देने के लिए पैसा कहां से आएगा। इसी क्रम में बिना नाम लिए उन्होंने लालू के बारे में भी कड़ी टिप्पणी की थी और कहा था कि जिसके लिए अंदर गए हैं वहां से पैसा आएगा क्या। अब नीतीश कुमार उसी आरजेडी के साथ हैं। वे तेजस्वी को लेकर यह भी कहने लगे हैं कि यही बच्चा हमारा सब कुछ है। इसके बावजूद लोकसभा सीटों के लिए बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच जिस तरह की खींचतान मची है, उससे तो यही संकेत मिलता है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में ही घमासान मच जाएगा। अब सियासी समीकरण बनाकर चुनाव जीतने की मंशा रखने वाले दलों को यह भी पता होना चाहिए कि चुनाव गणित का भी खेल होता है। और अभी तो विपक्षी गठबंधन में शामिल नेता सिर्फ इतना सीख पाए हैं कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में एनडीए को अगर 45% वोट मिले तो बाकी 55% उनके हैं। यानी यहां पर बिल्कुल साफ साफ, जिस तरह से एनडीए को 45% वोट मिले और इंडिया को लगा कि 55% वोट उनके पास में मिल जाएंगे और वो सरकार बना लेंगे, तो क्या ऐसा हो पाना संभव है? आप ही सोचिए। इसके अलावा यहां यह भी जानना जरूरी है कि इसी आधार पर विपक्ष में प्रधानमंत्री के लिए मारामारी भी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राहुल गांधी को कांग्रेस अपना पीएम फेस बता रही है। बंगाल से टीएमसी के नेता ममता बनर्जी को पीएम बनाने की आवाज उठाने लगे हैं। नीतीश के लिए तो पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव को भी पीएम बनाने की मांग समाजवादी पार्टी के नेता करने लगे हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का नाम लिए आगे बढ़ रही है। यहां विपक्षी खेमा एक बात को अभी तक नजरअंदाज कर रहा है। मायावती की बीएसपी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, केसीआर की बीआरएस और नवीन पटनायक की बीजेडी जैसे खिलाड़ी और पार्टियां अभी भी हैं जो विपक्षी वोटों में सेंधमारी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ना तो वो एनडीए के साथ हैं और ना वो इंडिया के साथ हैं। तो अब यह साफ हो गया है कि विपक्षी दल अपने गठबंधन में खुद
खुद को ही ताकतवर साबित करने में जुट गए हैं और आपस में भिड़ने के लिए तैयार हैं। इस भिड़ंत के परिणाम क्या होंगे उसके लिए तो अभी कल्पना ही की जा सकती है, लेकिन नुकसान कांग्रेस को ही होगा इतना तय है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और फिलहाल इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि बीजेपी को अकेले रोक सके। ऐसे में अन्य पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा और साथ ही कांग्रेस दूसरी पार्टियों को ज्यादा महत्वाकांक्षी भी बनाएगी तो उसे डर है कि कहीं उसका कद छोटा ना हो जाए। अब आगे क्या होगा उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।